इट विच इज एनफोर्सेबल बाई लॉ। ठीक है, थ्री थिंग्स हैं, यानी कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा एज पर द डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। अगर हम कॉमन सेंस जनरली कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हम लोग देखेंगे फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड, नॉट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट न्यू, बट आपका किसी व्यक्ति के साथ सम व्यवहार ट्रांजेक्शन, ठीक है, किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, यानी इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपका किसी व्यक्ति के साथ जो आपसी सामंजस्य है, जो आपसी तालमेल है, जो आपसी सम व्यवहार है, वो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है, इट मे बी अ बिजनेस, इट मे बी अ पर्सनल एग्रीमेंट, यानी किसी भी रूप में हो सकता है। पर्सनल एग्रीमेंट मतलब जैसे मान लीजिए कि हम मुस्लिम लॉ में कहते हैं कि मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ये कहा गया है ना, तो वैसे ही वो पर्सनल थिंग्स है कि उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, इस वजह से इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। जब हम आगे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज इसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरी चीज होती है कि बाई विच वे, यानी किस तरीके से, किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यानी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का तरीका होगा वो क्या होगा, मोड क्या होगा। ठीक है, तो इन्हीं सम व्यवहारों को लेके, यानी किसी भी दो व्यक्तियों के सम व्यवहारों को जिसका एक स्पेसिफिक तरीका दिया गया है, जिसको रेगुलराइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आवश्यकता पड़ी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। इंडिया में कब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, 1872, 1 सितंबर 1872 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनफोर्समेंट हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए, मोड्स दिए गए, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने, जैसे मान लीजिए कि हम सामान्य व्यवहार में कहें कि आप जो है अपना हमें पेन दे दीजिए, ठीक है, हमने आपसे आपका पेन मांगा, आप कहें कि जैसे मैंने जैसे ही आपसे कहा कि अपना पेन दे दीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, रिक्विजिट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए मैंने कोई ऑप्शन और ग्रूम नहीं छोड़ा है, ठीक है, कि आप भी हमारे साथ, आपका कुछ प्रतिफल या कंसिडरेशन आपका उसमें इन्वॉल्व हो, ये केवल मेरा सेल्फ इंटरेस्ट के कारण मैंने पेन मांगा है। लेकिन अगर यही तरीका मैं बदल दूं, आप अपना पेन हमें 5 दिन के लिए दे दीजिए और मैं पर डे आपको 2 रुपये दूंगा, ठीक है, अब क्या हो गया, नेचर परिवर्तित हो गया, यानी उस संव्यवहार का परिवर्तन हो गया। जैसे हमारी रिक्विजिट थी तो उसमें जैसे प्रतिफल डाला, कंसिडरेशन डाला, कि उनको भी ये लगे कि नहीं, इन्होंने ऐसा ऑफर किया है, प्रपोजल दिया है, उसको शब्द को क्या कहेंगे, प्रपोजल कहेंगे, यानी हम अपने स्वार्थ के साथ साथ आपके हित की बात को रखते हुए अगर हम कोई प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है, तो जिससे आपका भी हित हो, तो वो क्या हो जाएगा, सम व्यवहार हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना जाएगा। ठीक है, अब उसमें कई सारे टर्म एंड कंडीशन आ सकते हैं, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, करने का तरीका क्या हो सकता है, लेकिन सामान्य बात यही है कि हमने इनसे एक पेन मांगा एज एग्जांपल और कहा कि 5 दिन के लिए, कहा पर डे हम आपको इतना पैसा देंगे, 1 दिन का इतना देंगे, तो ये हमारा प्रपोजल हो गया। अब इनके ऊपर डिपेंड है, अभी देखिए कंडीशन समाप्त नहीं हुई, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अब इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, यानी इनकी स्वीकारता, एक्सेप्टेंस भी आवश्यक है। जब हमने प्रपोजल दिया विद कंसीडरेशन दिया तो ये क्या किए, हमें स्वीकारता दिए कि ठीक है आपका प्रस्ताव एज इट इज, ये ध्यान रखिएगा, एज इट इज जैसा मैंने दिया था वैसे ही इन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर ये कहते तुरंत बार्गेन करते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करिए कि 3 रुपया पर डे हमको दे दीजिए, 2 रुपया में नहीं ठीक रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो
वो इनका काउंटर प्रपोजल हो जाएगा। हमारे प्रपोजल को इन्होंने काउंटर कर दिया, उसमें सब क्लाज ऐड कर दिया, कुछ चीज़ें ऐड कर दी और इन्होंने पुनः प्रस्ताव हमको दे दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे लिए इनका जो संव्यवहार हुआ वो प्रति प्रस्ताव के रूप में आ गया, काउंटर प्रपोजल के रूप में आ गया, जबकि हम जो दिए थे वो प्रपोजल के रूप में दिए थे। जब एक्सेप्ट कर लिए उसके बाद हम लोगों का संव्यवहार हो गया, ठीक है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। सामान्यतः यही है कि दो व्यक्तियों के संव्यवहार को, दो पार्टियों के संव्यवहार को कैसे लीगलाइज किया जाएगा, क्या तरीका रहेगा, उसके एनफोर्समेंट कैसे होंगे और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और उसी के बारे में पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्लेन किया गया, ठीक। तो एज पर द एक्ट हम लोग आते हैं, एक एक चीज को देखते हैं।